और चलिए अब बात जिंदगी की जंग जीत कर लौटे ट्रैकर्स की कर लेते हैं। एसडीआरएफ की हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू टीमों ने 13 ट्रैकर्स को सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। ट्रैकर्स को बचाने के लिए उत्तरकाशी और टिहरी प्रशासन की ओर से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। करीब 13 ट्रैकर्स को सकुशल वापस लौट आए हैं। मेडिकल जांच के लिए ट्रैकर्स को अस्पताल भेजा गया है जहां सभी सुरक्षित हैं। जल्द ही उन्हें घर भी भेज दिया जाएगा। चारों तरफ बर्फ से घिरी पहाड़ियां और इस बर्फीली हवा के बीच वायुसेना का हेलीकॉप्टर। बल्कि गर्म पानी कर दो आप इनके लिए ना, आप गर्म पानी कर दो, चाय पिला दो इनको, है ना। उत्तरकाशी में यह वो रेस्क्यू मिशन था जिसके सामने हर पल नई चुनौतियां आ रही थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र के 22 ट्रैकर्स जब सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर फंसे तो इन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ और वायुसेना ने पूरा जोर लगा दिया। बेरहम मौसम में इन ट्रैकर्स की जान बचाने के लिए हर पल कीमती था। ट्रैकर्स 14,500 फीट की ऊंचाई पर फंसे थे, लिहाजा सेना ने चेतक हेलीकॉप्टर को इस रेस्क्यू मिशन पर लगाया। घंटों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 22 में से 13 ट्रैकर्स को सही सलामत मुसीबत से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 9 ट्रैकर्स जिंदगी की जंग हार गए। रेस्क्यू किए गए 4 आखिरी ट्रैकर्स को आज सुबह देहरादून के अस्पताल पहुंचाया गया। यहां इन सभी ट्रैकर्स की सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। 8 को एग्जामिन करने के बाद अभी उनकी फिलहाल स्थिति नॉर्मल है और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अभी 2 घंटे के बाद दोबारा एग्जामिन करके फिर फाइनल बताएंगे कि क्या उनकी स्थिति है। फिलहाल अभी वो बिल्कुल ठीक है। अभी ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल ये है कि थोड़ा बहुत तो नमनेस पैरों में है ही हल्का सा, वो उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी ट्रैकर्स को डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखने का फैसला किया है। इन सभी के सेहतमंद होने की तसल्ली के बाद सभी को इनके घर भेज दिया जाएगा। सब ठीक है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी ट्रैकर्स जो हैं उनको यहाँ पर लाया गया और उसके बाद उनका जो है वो स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। तकरीबन 22 लोगों का ये दल था जिसमें 18 लोग जो है वो अदर स्टेट के थे और 1 जो है वो पुणे स्टेट के थे और 3 लोग जो थे वो गाइड थे, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोगों को ले जाया गया है और यहाँ पर डॉक्टर्स द्वारा उनका परीक्षण किया जा गया है और सभी जो लोग हैं जो 8 ट्रैकर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको जो है उनकी स्थिति जो है वो ठीक बताई जा रही है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो सभी लोग एक दूसरे को ढांढस बना रहे हैं और एक हिम्मत दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौत का सामना जो है वो इन लोगों ने किया है तो उसको लेकर जो है वो सभी ट्रैकर्स एक दूसरे की हिम्मत बना रहे हैं। किस तरह क्या ऐसा हुआ था कि अचानक स्नो ब्लिजर्ड एट द अराउंड 90 किलोमीटर्स पर बर्फीली हवाएं चली। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ और वायुसेना ने मिलकर जाबाजी और हौसले की मिसाल कायम की है। हजारों फीट की ऊंचाई पर फंसे ट्रैकर्स ने इस कामयाब रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और वायुसेना के जवानों को शुक्रिया कहा है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और देहरादून से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ट्रैकिंग के लिए गए 22 सदस्यों की टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें मौसम की ऐसी बेरहमी का सामना करना होगा। ट्रैकिंग शुरू करने से पहले इन्होंने तय नियमों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराया था। ट्रैकर्स की टीम ने मौसम खराब होते ही प्रशासन को इसकी सूचना भी दी थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन वक्त पर शुरू हो गया। हालांकि खराब मौसम की वजह से इस ऑपरेशन में थोड़ा वक्त जरूर लगा। वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर से उतरकर अपनों के गले मिलते ये वो खुश नसीब ट्रैकर्स हैं जो अपने साथियों के साथ 14,500 फीट की ऊंचाई पर खराब मौसम के कारण फंस गए थे। हर गुजरता पल इनकी जिंदगी पर भारी पड़ रहा था,
लेकिन वायुसेना के ये जवान इनके लिए देवदूत बनकर पहुँचे और उन्हें सही सलामत बचाकर वापस ले आए। कंट्रोल रूम से फोन आया था कि छहताल के रूट पे कुकली टॉप नामक जगह पे एक कोई हमारा ट्रैकिंग दल फंस गया है, उसमें से शायद कुछ लोग सुनने में आ रहे कि इनकी कैजुअलिटी हो गई है। तो फिर इसके पश्चात मेरे द्वारा SDRF टीम से संपर्क किया गया। अभी बीमार हैं, क्या स्थिति है इनकी? बीमार तो नहीं है लेकिन थोड़ा वहाँ से आए तो परेशान हैं और टेंशन में है। हाई एल्टीट्यूड से अगर जब एक सडनली आप लो एल्टीट्यूड में आते हो तो थोड़ा सा एक गिडीनेस वगैरह है और ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये ट्रैकर्स अपने 22 साथियों के साथ 29 मई को सहस्त्रताल की ट्रैकिंग के लिए निकले थे। 2 जून को ये दल सहस्त्रताल के कोखली टॉप बेस कैंप पहुंचा और 3 जून को वो सहस्त्रताल के लिए रवाना हुए, लेकिन वहां अचानक मौसम खराब होने, घने कोहरे और बर्फबारी के बीच सभी ट्रैकर्स फंस गए। पूरी रात उन्हें ठंड में बितानी पड़ी। बताया गया कि इन्हीं में किसी ने इसकी सूचना दल को ले जाने वाली ट्रैकिंग एजेंसी को दी, जिसके बाद इन्हें बचाने के लिए वन विभाग, SDRF और वायु सेना को लगाया गया, जिन्होंने बिना वक्त गवाए इन सभी ट्रैकर्स को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस क्रम में हमने तत्काल SDRF से समन्वय से जो SDRF की माउंटेनिंग टीम है उनको भी रिक्वेस्ट किया और इसके साथ ही ग्राउंड से भी SDRF फॉरेस्ट एंड अन्य टीमें हमें यहाँ से भेजी हैं और टिहरी से भी समन्वय करते टिहरी से भी टीम भेजी गई है। और उसके बाद हमने हेली के लिए भी हेली रेस्क्यू के संबंध में भी शासन को अवगत कराया तो और रात को ही हमने एयरफोर्स को भी रिक्वेस्ट किया था स्टेट के डायरेक्शन में और उसमें सभी लोग इन्वॉल्व होके आज सुबह एक चॉपर से SDRF को देहरादून से SDRF की माउंटेनिंग टीम को भेजा गया है मौके पे और उन्हें उनको ट्रेस आउट किया है। ट्रैकिंग पर गए दल में 18 सदस्य कर्नाटक के, 1 सदस्य महाराष्ट्र का और 3 स्थानीय गाइड शामिल थे, जिनमें 13 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और इसमें सभी लोगों से समन्वय करते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और तथा राहत कार्य में जल्दी से जल्दी किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। ये बेस कैंप है जहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ये बेस कैंप का टॉप वाला जहाँ पे जहाँ से वो ट्रैक पे गए थे इस लोकेशन में उन्होंने इंसिडेंट साइट बताया है और उसके बाद और लोग जो 9 लोग हैं यहाँ पे हैं और 4 डेड बॉडी यहाँ पे हैं और उसके बाद अन्य लोग नीचे आ चुके हैं जो सेफ बताए। प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि इस ट्रैकिंग दल को 7 जून तक वापस लौटना था और ट्रैकिंग पर जाने से पहले इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी देहरादून से अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानते और समझते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे रहा, क्योंकि अंकित अभी बताया जा रहा है जो लेटेस्ट अपडेट हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि 13 को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है, अस्पताल में वो है। फिलहाल उनकी हालत कैसी है, क्या कुछ चल रहा है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, कल हमने डॉक्टर से, मेडिकल ऑफिसर से बात करी थी क्योंकि कल 8 रेस्क्यू करके जो ट्रैकर्स देहरादून लाए गए थे उनको कोरोनेशन हॉस्पिटल ले जाया गया था। फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है लेकिन वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और हाई ऑल्टीट्यूड से जब वो नीचे आए हैं तो उसको लेकर जो कॉम्प्लिकेशंस थे उसको लेकर वाइटल टेस्ट भी होने थे उनके, जो जिसकी रिपोर्ट आज आ जाएगी। लेकिन बहुत दुखद घटना है, इसमें करीब 9 लोग मारे गए हैं और मैं आपको बता दूं ज्यादातर जो इसमें एवरेज एज थी वो 50 के ऊपर थी और इसमें 2 लोग 61 और 71 के भी थे। तो रजिस्ट्रेशन जिस तरह से हुआ है, रजिस्ट्रेशन के बाद ये लोग ट्रैक पे गए हैं, इनका मेडिकल टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इन्होंने एक्लिमेटाइजेशन किया था या नहीं किया था, जिस वजह से इतने खतरनाक ट्रैक पे ये लोग गए थे, क्योंकि सहस्त्रताल ट्रैक जो है वो करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और अक्सर वहां पर बर्फीला तूफान और बर्फबारी होती है जी। काफी आसान ट्रैक नहीं है, अगर उसको जो लोग आसान समझते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना करते हैं। और उत्तरकाशी और टिहरी जो बॉर्डर है वहां पर भटवाड़ी ब्लॉक के पास कुछ कल्याण जो एरिया है वहां पर इनका बेस कैंप था, वहां से ये लोग इन्होंने अपनी यात्रा 29 मई को शुरू की थी जिसमें 22 लोग चढ़ाई कर रहे थे। 2 जनों की तबीयत खराब हो गई थी जो बेस कैंप में ही रुक गए थे, बाकी 20 लोग आगे गए थे। लौटते में कुफरी टॉप पर मौसम खराब हुआ और करीब सोमवार को एक फोन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के आपदा कंट्रोल रूम में गनगनाया
और वहां से मदद मांगी गई। गाइड ने एक पत्र के जारी करते हुए सरकार से मदद मांगी कि कुफरी टॉप पर करीब 20 लोग फंस गए हैं। जैसे तैसे एसडीआरएफ ने इस पूरे मिशन को संभाला, मौसम खराब चल रहा था, उसके बाद 7 लोगों को पहले नीचे लाया गया, फिर और लोगों को नीचे लाया गया। 4 लोगों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और 5 लोगों की बाद में मृत्यु हुई। और अभी ये बताया जा रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम चल रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ज़्यादा ठंड की वजह से ये मौतें हुई हैं, क्योंकि मौसम में सर्वाइव नहीं कर पाए। और जो चश्मदीद जो एक ट्रैकर थे जिन्होंने हमसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि काफ़ी बर्फीला तूफान आया था, जिसके बाद ये इस तरीके का मंजर उन्होंने देखा और काफ़ी भयावह दृश्य था उस समय। तो कहा जा सकता है कि काफ़ी भयानक ये हादसा हुआ, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि उत्तरकाशी के जो माउंटेनियरिंग ट्रैक गया हो, ये उनके साथ हुआ। हमने 2022 में द्रौपदी का डांडा में देखा था कि किस तरह से 28 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी एक एवलांच आने से। और इससे पहले भी अलग अलग घटनाओं में 2018 से लेकर अगर अब तक की गणना करें तो उत्तरकाशी जिले में ही करीब 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं ट्रैकर्स की। तो ये गंभीर विषय है। जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उनका मेडिकल, उनकी ट्रेनिंग, वो क्या सामान लेके जा रहे हैं, क्या इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं, इसकी जांच बहुत जरूरी है। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तरकाशी का ये ऑपरेशन कुदरत की चुनौतियों का हौसले से सामना करने की कहानी है। कुदरत ने पहाड़ों में चुनौती दी तो मैदानों में रहने वालों को थोड़ी राहत का पैगाम भी दिया गया। बीती रात राजधानी दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों में हल्की बारिश हुई। इस बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत दी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई इलाकों में बारिश से मौसम कूल कूल हुआ। कर्नाटक हो या फिर उत्तराखंड, जम्मू हो या हैदराबाद, हर जगह बारिश ने लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत दी है। कर्नाटक की हुबली की तस्वीरें देखिए, यहां पे जमकर बारिश हुई जिसने पारे को नीचे ला दिया। चेन्नई में भी बादल जमकर बरसे हैं जिससे तापमान में कमी महसूस की जा रही है। हैदराबाद में झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। उत्तराखंड में चंपावत और देहरादून समेत कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। पर्वतीय इलाकों में बारिश होने से तापमान में कमी आ गई। शाम के समय अचानक मौसम बदलने से देहरादून में तेज हवाएं चलने लगी और उसके बाद पूरे देहरादून में ये हवाएं फैली। देहरादून के साथ ही पहाड़ों की रानी मसूरी में भी तेज बारिश हुई। जम्मू में भी बारिश हुई और लोगों ने झमाझम बारिश की राहत का एहसास किया। देखिए, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बुधवार की रात गर्मी से राहत का पैगाम लेकर आई। पहले धूल भरी आंधी चली, उसके बाद बारिश की बूंदों ने दिल्ली एनसीआर को भिगोया जिससे तापमान में हल्की गिरावट आई। लोगों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने गर्मी से तो राहत दी ही, मौसम भी सुहाना बना दिया। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। दिल्ली में बुधवार को तापमान 44 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, लेकिन राहत की बारिश के बाद तापमान में करीब 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से मौसम कूल कूल हो गया। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो मौसम के आनंद को और बढ़ा रही थी। मौसम विभाग ने भी दिल्ली के नरेला, अलीपुर, एनसीआर क्षेत्र के लोनी देहात, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, दादरी, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम गति वाली बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी। बुधवार यानी 5 जून को दिल्ली में लू चलती रही और इसकी वजह से तापमान भी ज्यादा दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री तक रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 से 6 दिनों तक अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के आसपास बना रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री के आसपास रहेगा। इसके चलते गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है। आईएमडी ने दिल्ली और एनसीआर में आज के लिए गरज और धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। 7 जून को भी ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। वक्त से पहले केरल तट पर दस्तक देने के बाद मॉनसून भी तेज गति से सक्रिय है। दिन प्रतिदिन अपने रूट पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों को गर्मी से राहत भी दिलाता जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून इस बार सभी इलाकों में तय वक्त से पहले पहुंचेगा। दिल्ली एनसीआर में इसके 27 जून से पहले एंट्री की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
देखा जाए तो इस बार मॉनसून की रफ्तार तेज है और मौसम विभाग ने इसको लेकर गुड न्यूज भी दी है, जिसके मुताबिक जल्द ही देश के कुछ और हिस्सों में मॉनसून दस्तक देने वाला है। बता दें कि इस बार तय समय से दो दिन पहले ही मॉनसून केरल पहुंच गया और अब तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। देश में इस बार मॉनसून ने समय से दो दिन पहले ही दस्तक दे दी है और इसकी रफ्तार तेज है। केरल में तय समय से पहले मॉनसून ने एंट्री ली थी और अब ये बाकी राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहर में झमाझम बारिश हुई है। उधर देश के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां लोग राहत के लिए मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। अब मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर गुड न्यूज दी है। मॉनसून जल्द ही कई इलाकों में दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून आगे बढ़ रहा है। अगले 3 से 4 दिनों में ये कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों, दक्षिणी ओडिशा, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 7 जून तक बारिश और आंधी तूफान जारी रहने वाला है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 7 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। उधर दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत कुछ इलाकों में 5 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। जहां तक मॉनसून की बात है तो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में 10 जून के आसपास मॉनसून आता है। वहीं मध्य प्रदेश में 25 जून तक इसकी एंट्री होती है, गुजरात में 20 से 25 जून तो राजस्थान में 30 जून और 5 जुलाई मॉनसून के दस्तक देने की तारीख है। यूपी में 15 जून और 20 जून के आसपास मॉनसून की एंट्री होती है। इस बार यूपी में वाराणसी या गोरखपुर के जरिए 18 से 20 जून को मॉनसून दस्तक दे सकता है, जबकि लखनऊ में 23 से 25 जून को मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां 27 जून को मॉनसून की एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 9 जून तक तो मराठवाड़ा में 7 जून तक भारी बारिश होगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, मध्य प्रदेश में भी 5 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 से 3 दिन हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 7 जून तो राजस्थान में 8 जून तक हल्की बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात न्याय के देवता शनिदेव की कर लेते हैं। आज शनि जयंती है। इस मौके पर सालों बाद कई शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। वर्षों बाद शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। इस खास मौके पर चंद्रमा का भी साथ होने मिल रहा है। ज्योतिषीय गणना के लिहाज से यह अद्भुत संयोग है। यही नहीं, शनि जयंती पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है। कुंभ राशि में होने पर शनिदेव शश राज योग बना रहे हैं। शनि जयंती पर शश राज योग होने से मिथुन और मकर समेत 5 राशियों को लाभ का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। शनि जयंती पर हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार ये तिथि 6 जून को है। माना जाता है कि इसी दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। इसी दिन शनिदेव को प्रसन्न करके जीवन की कई परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो शनिदेव की जयंती की महिमा क्या है और क्यों आज का दिन शनि संबंध उपाय करने के लिए खास माना गया है, जान लेते हैं पंडित शैलेन्द्र पांडे से। शनि देव की जयंती ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। माना जाता है कि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को सूर्य देव और छाया के संयोग से भगवान शनि का प्राकट्य हुआ था। इस दिन अगर आप शनि संबंधी उपाय करते हैं तो विशेष लाभ होते हैं। शनि से संबंधित जीवन में जो भी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, करियर की समस्या है, आयु की समस्या है, वो तमाम समस्याएं इस दिन दूर की जा सकती हैं अगर आप शनि जयंती पर उपाय करते हैं तो। और शनि जयंती के उपाय संध्या काल में शुद्ध होकर करने चाहिए।
शनि जयंती पे संध्या काल में पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कौन से पाठ और स्रोत करने से शनि देव की कृपा बरसेगी, साथ ही क्या है शनि देव की पूजा विधि, बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। शनि जयंती पर संध्या काल में शाम के समय में पूजा करना विशेष शुभ होता है। जैसा आपको पहले बताया कि 6 जून को संध्या काल में आप शनि देव की पूजा करिएगा। शनि जयंती पर संध्या काल में स्नान करें, इसके बाद शनि देव का स्मरण करके पश्चिम दिशा की तरफ अपना चेहरा करके बैठें। फिर आप शनि देव के मंत्रों का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः या ओम शन्नो देविरभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करें। या शनि देव के जो स्तोत्र हैं, जैसे दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका पाठ करें। जब पाठ हो जाए तब इसके बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का और धन का दान करें। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। वो इंसानों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शुभ कर्म करने वालों को शनिदेव शुभ फल देते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वालों को शनिदेव के कोप का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आकाशी संसद में शनि को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। शनि को दंडाधिकारी भी कहा गया है। जिनके कर्म अच्छे हैं उनको शनि जो है वो काफी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं, और जिनका शनि खराब है उनको शनि दंड देते हैं। ज्योतिष में ऐसी भ्रांति बना दी गई है जैसे शनि का नाम आते ही लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कौन सा तूफान उनके ऊपर गिरेगा, लेकिन शनि जो है वो बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। यदि आपने कोई गलत कार्य नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा कार्य किया है तो शनि व्यक्ति को फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा देते हैं। शनि जयंती पे मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। सुबह से भक्त शनि देव की पूजा अर्चना के लिए शनि धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं किन किन तरीकों से शनि देव को प्रसन्न किया जा सकता है। शनि देखिए कई चीजों से प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले शनि को काली वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, तो हम जो है काले तिल का लड्डू यदि बनाकर और उसको लेबर क्लास को दें जो सक्षम नहीं है, क्योंकि शनि जो है वो मजदूर वर्ग के, लेबर क्लास, चतुर्थ वर्ग के, जो व्यक्ति सामान्य नहीं है, जो बहुत ही गरीब है, उसके कारक होते हैं। तो इन लोगों को यदि हम काले तिल का लड्डू खिलाएं तो इससे शनि देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय यह है कि शनि जयंती के दिन आप जो है 5 दाल की खिचड़ी बना लें। 5 दाल की खिचड़ी बनाने के बाद उसको शनिवार को कुत्ते को खिलाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह बहुत भारी होते हैं तो कुत्ता खाता नहीं है, उसको सूंघ के चला जाता है, लेकिन अगर वो सूंघ के भी चला जाए तब भी आप मानिए कि शनि देव की प्रसन्नता जो है वो धीरे धीरे आपको प्राप्त हो रही है। और एक उपाय बताता हूं, केला का एक पत्ता ले लें, उसमें 70 ग्राम काला तिल ले लें और केले के पत्ते को फिर मोड़ के शनिवार के दिन आप किसी बहते नदी में प्रवाहित करेंगे तो वो काला तिल किसी न किसी का आहार बनेगा। तो जब वो आहार खाएगा, जैसे मछलियां हो गई, वो भी शनि से ही संबंधित हैं, तो इससे जो है वो शनि की अनुकूलता प्राप्त होगी।
आज वट सावित्री का पर्व भी है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। इस व्रत के साथ सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री ने अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। इसीलिए इस पर्व पर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और प्राण रक्षा के लिए व्रत और संकल्प लेती हैं, ताकि उन्हें सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान मिले। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करना और बरगद का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज बरगदी अमावस्या है, आज बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और अपने पति के लिए व्रत रखा जाता है। आज बरगदी अमावस्या है और बट सावित्री भी लोग बोलते हैं, और इसमें 12 फेरे लिए जाते हैं, पति के लिए किया जाता है और सुहागिन औरतें करती हैं। इसमें कच्चे धागे का, ये जो सूत का बोलते हैं, इसका माला बनाया जाता है और इसी से 12 चना लेकर फेरे लगाया जाता है। क्या क्या किया अब सुबह से हम लोग नहा धो के पहले यहाँ आए पूजा करने, माला बनाए, कच्चा धागे से मतलब 12 फेरे लिए चना चढ़ाते हुए, और इसपे खरबूजा और आम चढ़ाया जाता है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला मिशन लॉन्च हो गया है। अपने सहकर्मी बुच विलमोर के साथ यान में उड़कर सुनीता इस मिशन पर जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। 5, 4, 3, 2, 1, ignition. भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने इतिहास रच दिया है। वो तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए रवाना हो गई है। सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विलमोर बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले सदस्य बन गए हैं। सुनीता और बुच विलमोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाला बोइंग का स्टार लाइनर मिशन कल यानी 5 जून को लॉन्च हुआ। बोइंग स्टार लाइनर के कैलिप्सो कैप्सूल को ले जाने वाले एटलस वी रॉकेट ने अमेरिका के फ्लोरिडा से उड़ान भरी। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार रात 8:22 पर फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इस यान की रवानगी हुई। विलियम्स और विलमोर की इस अंतरिक्ष यात्रा में 25 घंटे से ज्यादा का वक्त लगने की उम्मीद है। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को लेकर रवाना हुआ स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट भारतीय समय के मुताबिक आज रात 9:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। इस मिशन को 7 मई को सुबह 8:04 पर लॉन्च किया जाना था, लेकिन टीम को यूएलए के एटलस वी रॉकेट की सेकेंड स्टेज में ऑक्सीजन रिलीफ वॉल्व में समस्या मिली, जिसके चलते इस मिशन के लॉन्च होने से 2 घंटे पहले टालने का फैसला ले लिया गया था। दूसरी बार इस स्पेस मिशन को 1 जून को लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन ग्राउंड लॉन्च सिक्वेंसर ने लिफ्ट ऑफ से 3:50 पहले काउंटडाउन क्लॉक को ऑटोमेटिक होल्ड कर दिया, जिसके चलते एक बार फिर इस मिशन को टालना पड़ा, लेकिन अब तीसरी बार में मिशन लॉन्च करने में कामयाबी मिल गई। दोनों एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में करीब 1 सप्ताह तक रहेंगे। नासा के ये अंतरिक्ष यात्री इस दौरान कई तरह के परीक्षण करेंगे, जिसमें स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट और उसके सब सिस्टम का टेस्ट शामिल है। इस स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल रोटेशनल मिशन के लिए किया जाएगा, यानी एस्ट्रोनॉट इसी यान से लौटेंगे भी। इस मिशन की कामयाबी पर इतिहास में पहली बार अमेरिका के पास एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए 2 स्पेस क्राफ्ट हो जाएंगे। अभी अमेरिका के पास एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट ही है। नासा ने साल 2014 में स्पेस एक्स और बोइंग को स्पेस क्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। स्पेस एक्स 4 साल पहले ही इसे बना चुकी है और अब बोइंग के स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट से स्पेस मिशन लॉन्च हुआ है। ये इस अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान है और सुनीता विलियम्स इसमें उड़ान भरने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। इससे पहले सुनीता 2 बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी हैं। साल 2006 में नासा के अंतरिक्ष यान पर और साल 2012 में रूसी सोयूज कैप्सूल के जरिए भी वो अंतरिक्ष में गई थी। वो अंतरिक्ष में 322 दिन बिता चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका के कई हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 3 महीने गर्मी के लिहाज से बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। कई राज्यों में लोगों को गर्मी से बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है।
अमेरिका में सूरज ने तेवर दिखाए तो गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। चिलचिलाती धूप और तपती धरती के बीच लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। नॉर्थ कैलिफोर्निया, साउथ एरिजोना और टेक्सास में नेशनल वेदर सर्विस ने लोगों को गर्मी से बचने की एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने अमेरिका के कई राज्यों में तापमान 37.8 डिग्री को पार करने का अनुमान लगाया है। वहीं सैक्रामेंटो, फिनिक्स और लास वेगास समेत कम ऊंचाई वाले कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। इस तपती गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। कोई पेड़ों की छांव तलाश रहा है तो कोई परिवार के साथ वाटर पार्क में वक्त गुजारना ज्यादा पसंद कर रहा है। अमेरिका के मौसम विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि लोग ज्यादातर एयर कंडीशन वाली जगहों पर ही रहें, दिन में ढेर सारा पानी पिएं और अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की सेहत का भी ख्याल रखें। मौसम विभाग का अनुमान ये भी है कि अमेरिका में तपिश वाले ये दिन अगले 3 महीने तक जारी रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।